रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालात में झुलसा 10वीं का छात्र। नमस्कार, मैं अंजना, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज पे। तो आइए चलते हैं आज की मुख्य खबर पर। रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालात में झुलसा 10वीं का छात्र, भाई बोला तड़प तड़प कर मर गया, पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की। निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर 10वीं के छात्र की संदिग्ध हालात में झुलसने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वह स्कूल जाने का बोलकर घर से निकला था। कुछ देर बाद भाई को उसके झुलसने की जानकारी मिली। एम्बुलेंस से छात्र को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बरौंदा घाटी में हादसा, बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरा ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत, क्लीनर गंभीर। जिले के बरौंदा थाना क्षेत्र में एक ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल क्लीनर देवेंद्र सिंह पिता ओंकार निवासी गुसौली झांसी उत्तर प्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत ट्रक चालक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। क्लीनर भी अभी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस गजनी की आमिर खान हो गई, इंदौर में बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस ना राम की है ना किसी काम की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस गजनी फिल्म के गजनी यानी आमिर खान की तरह हो गई है। वो जो वादे करती है उसे याद नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना राम की है और ना ही काम की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खुद कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया है। सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला बोले पेशाब कांड की मास्टरमाइंड है रीति पाठक। सीधी के बहुत चर्चित पेशाब कांड को लेकर सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का एक बयान निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पेशाब कांड के मास्टरमाइंड सांसद रीति पाठक हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपनी इच्छाओं के लिए उन्होंने दिल्ली में इस कदर माहौल क्रिएट किया कि मेरा टिकट कट गया, साथ ही उन्हें सीधी विधानसभा सीट से टिकट मिल गया। एमपी में भाजपा का संकल्प पत्र जारी, सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन, लाडली बहनों को मकान, आईआईटी की तर्ज पर एमआईटी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा है, गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार के संघर्षशील मंत्री माने जाते हैं। भाजपा की माने तो मंत्री नंदी का वैश्य समाज में अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि भाजपा जहां भी वैश्य समाज के वोटर होते हैं, वहां पर नंदी का उपयोग कर वैश्य समाज का वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। वही मंत्री नंदी का त्यौंथर में नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया, जहां महिलाओं की भी अहम भूमिका रही। तो वहीं स्वागत के बाद नगर भ्रमण से पूर्व शनि धाम मंदिर में दर्शन आरती कर मंत्री ने नगर भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया। एमपी में यूरिया संकट पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, बोली बोरे पर माननीय की फोटो। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि यूरिया के बोरे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। आखिर क्यों लगाई गई फोटो? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी था। दरअसल राज्य के कई इलाकों में यूरिया का गंभीर संकट बना हुआ है। राज्य भर से खबरें आ रही हैं कि किसान सरकारी गोदाम में सुबह से लाइन लगाकर यूरिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला, पवार बोले केवल भ्रम फैलाकर और झूठे वादे करके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने किए गए विकास कार्यों और जनहित ऐसी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रही है और जनता के समक्ष जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, लेकिन कांग्रेस केवल झूठ, भ्रम और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। इनकी किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह कहना है भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा सरकार द्वारा हुए काम और स्मार्ट सिटी के तहत हुए विकास कार्यों की ही अपने बनाकर झूठा प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके इस झूठ को भली भांति समझती है और इसका जवाब उन्हें चुनाव में जनता जरूर देगी। रामखेलावन पटेल के वाहन में मिली प्रचार सामग्री, एफएसटी की टीम ने रामनगर में पकड़ी हजारों टी शर्ट समेत अन्य सामग्री जब्त। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री और अमरपाटन से भाजपा प्रत्याशी रामखेलावन पटेल के चुनाव प्रचार सामग्री राम
नगर में पकड़ी गई है। निगरानी के लिए बनाई गई एफएसटी ने एक ठेकेदार की स्कॉर्पियो में लोड करके ले जाई जा रही सामग्री जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक रामनगर में तैनात अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की फील्ड सर्विलांस टीम यानी एफएसटी ने शनिवार की दोपहर ट्रैकिंग के दौरान सफेद स्कॉर्पियो MP19MJ1000 को भारी मात्रा में चुनाव प्रचार सामग्री का अवैध परिवहन करते पकड़ा। तलाशी के दौरान वाहन में बोरियों में बंद झंडे बैनर के अलावा भाजपा प्रत्याशी राम खेलावन पटेल की फोटो वाली 1000 से अधिक टी शर्ट भी पाई गई। गोंडवाना बिगड़ेगी भाजपा और कांग्रेस का खेल, शहडोल की 8 विधानसभा में तीसरे विकल्प के तौर पर सीधा दखल, सपा बसपा से ज्यादा प्रभावी। आदिवासी बाहुल्य संभाग शहडोल की 8 विधानसभा में एक बार भाजपा और कांग्रेस के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। स्थानीय आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देख रही है। यही कारण है कि गोंडवाना पार्टी का तीसरे विकल्प के तौर पर 8 विधानसभा सीट पर सीधा दखल है। भाजपा और कांग्रेस भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि इस बार गोंडवाना को जो वोट मिलेंगे उनमें सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के वोट मतदाता होंगे, जिनका वोट लेने के लिए दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।